नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं 17 से 20 दिसंबर तक के लिए दैनिक राशिफल। आइए दोस्तों शुरू करते हैं और जानते हैं आपका आने वाला दिन कैसा रहेगा। छठवीं राशि लेते हैं, वर्गो यानी कन्या राशि। कन्या राशि, 17 दिसंबर के दिन आप एक बोझ सा महसूस करेंगे। इस दिन आपको लगेगा कि आपके कोई कार्य में या आपके जीवन में एक ऐसा बोझ आपके ऊपर आ गया है जिसे अब आप ढो रहे हैं। आप अपने कार्य की पूर्णता के बाद भी प्रसन्न नहीं हो पाएंगे। इस दिन आप अपने काम के कंप्लीट होने के बाद मिलने वाली खुशी से थोड़ा वंचित रह जाएंगे। इस दिन आपको चाहिए कि नई योजनाओं पर बिल्कुल ध्यान न दें, भविष्य में क्या होगा इस पर भी ध्यान न दें। वर्तमान में आपने जो उपलब्धियां हासिल करी हैं, जो कुछ भी अचीव किया है, उसे एंजॉय करें, उस पर गर्व करने का पूरा प्रयास करें। इस दिन आप लोगों के प्रेम के पात्र तो रहेंगे, लेकिन आप ये महसूस नहीं कर पाएंगे। लोगों का सहयोग भी मिलेगा, लेकिन आपको फील नहीं होगा। इस दिन आपका मन काफ़ी उचटा हुआ रहेगा, काफ़ी विलग रहेगा, इसलिए अपने मन को साधने का प्रयास करें। किसी और चीज़ को साधने का प्रयास 17 तारीख को बिल्कुल भी ना करें। 18 दिसंबर के दिन आप काफ़ी स्वार्थी रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ बड़े शक्तिशाली रहेंगे। आपके शक्तिशाली व्यक्तित्व की वजह से लोग आपसे डरेंगे भी और आपका सम्मान भी करेंगे। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी को पनिशमेंट देने के बारे में विचार ना करें, सचमुच में भी पनिशमेंट ना दें, ताकि आपके सम्मान में सचमुच वृद्धि होती रहे। इस दिन आप गंभीर मामलों में निर्णय ले पाएंगे। किसी कठिन या कड़े विषय पर भी आपके द्वारा लिया गया निर्णय आपके हित में होगा। इस दिन आप जो भी योजनाएं बनाएंगे उसमें पूर्णता होगी, उसमें सफलता प्राप्त होने के संकेत अच्छे हैं, इसलिए किसी नए काम को शुरू कर सकते हैं। हालांकि इस दिन आप काफ़ी स्वार्थी रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद आपके सम्मान में वृद्धि होगी। 19 दिसंबर के दिन आप मिलनसार व्यक्तित्व के स्वामी रहेंगे। आपके मृदुल स्वभाव के कारण लोग आपसे मित्रता करेंगे या लोगों को आपका साथ पसंद आएगा। ईश्वर की कृपा इस दिन आपके ऊपर बनी रहेगी। उनकी अनुकंपा, उनकी छत्र छाया में इस दिन आप अगर अच्छे इंसान बने रहें तो सब कुछ आपके फेवर में रहेगा। लेकिन अगर आप किसी का लाभ उठाने का प्रयास करते हैं, अपना स्वार्थ ज़्यादा साधने का प्रयास करते हैं, तो चीज़ें आपके फेवर में नहीं आएंगी, चीज़ें आपके फेवर से हटेंगी। इसलिए इस दिन स्वार्थी ना रहें। जैसा कि बताया, 18 तारीख को आप स्वार्थी रहें, फ़ायदा रहेगा, लेकिन 19 तारीख को स्वार्थी बिल्कुल ना रहें, स्वार्थी होने का फ़ायदा नहीं मिलेगा। 20 दिसंबर के दिन आप नई ऊर्जा से भरे रहेंगे। इस ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाने का पूरा प्रयास करें। हालांकि इस दिन आपके द्वारा सोचे गए विचारों में काफ़ी नवीनता और ताजगी होगी, लेकिन फिर भी अपने विचारों पर कार्य करने के लिए आपको उन्हें रिफाइन करना होगा, उनमें थोड़ा सा और संशोधन करने की ज़रूरत है। किसी नए कार्य को इस दिन शुरू कर सकते हैं 20 तारीख को, और साथ ही साथ 20 तारीख को किसी ऐसे लक्ष्य के प्रति अपने आप को समर्पित कर सकते हैं जो भले ही लंबा हो, लेकिन आपके जीवन की दिशा को परिवर्तित करने वाला हो। अगर ऐसा कोई लक्ष्य आप साधना चाहते हैं तो उसमें 20 तारीख से आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। 20 तारीख को परिवार के प्रति आपके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना होगी। समाज में आपके सम्मान में वृद्धि होने के भी संकेत हैं। ओवरऑल इन चारों दिनों में प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन के लिए 18 तारीख सामान्य है, बहुत बढ़िया दिन नहीं है। बाकी 3 दिन 17, 19 और 20 बढ़िया हैं। व्यापार के लिए चारों दिन बढ़िया रहेंगे। तो दोस्तों, यह था दैनिक राशिफल 17 से 20 दिसंबर के लिए। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, अपने अनुभव, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।